भी लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ से भी हमें अवेयरनेस मिली है, जहाँ से भी हमें नॉलेज मिली है, जहाँ से भी हमें लर्निंग मिलती है, वो कहीं ना कहीं कॉमन माहौल से ही मिलती है ना। अब मेरे जो पापा हैं वो अगर 15,000 कमाते हैं और मैं सारे दिन उनके साथ बैठा रहा हूँ, उनके साथ ही एक्सपीरियंस लेता रहा, उनके साथ ही नॉलेज लेता रहा, तो मुझे कहाँ तक की लाइफ स्टाइल मिलेगी या कहाँ तक की लाइब्रेटीज मिलेगी जहाँ तक की उनके पास है ना। मुझे अगर 50,000 कमाना है तो किसके साथ बैठना पड़ेगा? जो 50,000 कमा रहा हूँ। मुझे अगर 1,00,000 कमाना है तो किसके साथ बैठना पड़ेगा? जो 1,00,000 कमा रहा हूँ। मतलब क्या है कि मुझे उस माहौल का हिस्सा बनना पड़ेगा जहाँ पर वो सारी अचीवमेंट है जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। यही बात है कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था किसी पर्सन से कि धीरूभाई अंबानी जब बहुत थोड़ा पैसा कमाया करते थे, करीब 23-24 रुपये कमाया करते थे, तो उस दौरान वो अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा चाय पीने में खर्च किया करते थे। इन लोगों के बीच में बैठकर जो लोग हाईली सक्सेसफुल थे, अब वो इसलिए बैठ कर करते थे क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि कामें लोग बातें कैसे करते हैं। उनको पता था कि अगर मैं 50 पैसे की चाय या 1 रुपये की चाय लेंगे, उस जमाने में जो 50 पैसे की आया करती थी, तो उन्हें पता था कि यार अगर मैं एक्सी का बैठ के जाकर हूँ तो वहाँ पर लोग कौन से आएंगे? लोग वही आएंगे तो ये कहेंगे कि यार आज एक सवारी मिली, रिक्शा वाला भाई, क्या एक सवारी मिली जिसने 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलवाया लेकिन पैसा फालतू नहीं दिया। एक बंदा आएगा जो ये कहेगा कि यार इस बार बिजली का बिल 400 रुपये आया कैसे, मेरे घर में तो कुछ चलता ही नहीं। तो उसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, मतलब कॉमन सी बात है जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करवा सकती है, ना कि लेगेसी दे सकती है। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग बचपन से तैयार हुए हैं लेगेसी के लिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस, हमारी लर्निंग जैसे जैसे होती गई, वैसे वैसे हमने अपनी लेगेसी लाइफ को कम कर लिया और अपने सर्वाइवल मोड को एक्सपेंड कर लिया कि भाई अब सिर्फ इतना ही जीना है जैसे हम लोग कमा सके, गुजारा चला सके। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चीज़ें समझें कि कैसे हम लोग लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने इससे वर्किंग में नहीं, हम सभी लोग जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग क्या इजीली एक्सपेक्ट कर लेते हैं यार बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्सपेक्ट कर लेते हैं क्या? नहीं, मत करते हैं। क्या बोलते हैं? क्या फालतू फंड के काम है यार, ये भी कोई काम होता है? कोई अच्छा सा काम करता, मतलब ये मेंबर बनाना, जोड़ना, 2 जोड़ 4 जोड़, ये भी कोई काम होता है? फालतू बन के काम है ना। मुझे बोलते हैं इस तरह की कंपनी रोज खुलती है, रोज बंद होती है, ज्यादा दिन नहीं चलती है, तो क्यों अकेले मुझे बोलते हैं? आप भी बोलते हैं, सभी को बोलते हैं ना। तो मुझे समझ में आया कि यार लोगों को भी धंधा समझ ही नहीं आया, मतलब कि जिस बिजनेस के अंदर मैं पैशनेट हूँ, लोग 2,00,000, 5,00,000, 20,00,000, 50,00,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, जिस बिजनेस से लोगों ने अपने आईलाइन परचेज किए हैं, जिस बिजनेस से लोगों ने चॉपर खरीदे, जिस बिजनेस से लग्जरी गाड़ियाँ ली हैं, वो बिजनेस कॉमन लोगों की समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है, है ना, समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, ये चित्र किस चीज का है? मैकडॉनल्ड्स है ना। क्या है ये? बर्गर बनाता है ना, बर्गर तो हम लोग देखते हैं ठेले पे बनाता है, 10 रुपए का बेचता होगा, 15 रुपए का बेचता होगा, और कितना कमाता होगा? 10,000, 15,000, 20,000 ज्यादा है ना। लेकिन अगर बात करें मैकडॉनल्ड्स की, तो इनका जो टर्नओवर है वो अरबों में होगा, नहीं और एंटरप्रेन्योर कहाँ तक सीमित होता है? आज इनकी जो चेन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। रेक रॉक नाम सुना आप लोगों ने? ये जो रेक रॉक है कॉमन जॉब किया करते थे, एक बैंक पर बैठे हुए थे, तो जब बैंक पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार मुझे अपनी लाइफ को कुछ बड़ा करना है, तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं बर्गर बनाऊंगा। और जब उन्होंने बर्गर बनाना शुरू किया और लोगों को बात करी कि भाई मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ जिसमें हम लोग बर्गर बनाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इसकी फ्रेंचाइजीज खोलेंगे, जैसे आज है ना फ्रेंचाइजीज, रेक रॉक के एंट्री में आता होगा क्या? शायद नहीं आता होगा, वो अपने यहाँ से चलाता होगा। उसने क्या करा, एक रेसिपी दे दी और अपना नाम दे दिया मैकडॉनल्ड्स। भाई अगर इस रेसिपी से और इस नाम से बर्गर बेचो कितने का बिकेगा? 95 का, 100 का, 105 रुपए का, नहीं वही सेम बर्गर किससे? क्योंकि अब वो ब्रांड बन गया है। हम सभी लोगों ने समझना ये है कि जिस समय इस व्यक्ति ने शुरू किया था अपना काम, तो उस समय क्या इजीली से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा? नहीं ना। लेकिन क्योंकि इसको पता था कि इसको कुछ अलग करना है, ये जो वाई है ना, ये हमने समझना होगा। दुनिया में बड़े से बड़े काम आसान हो जाएंगे, बड़े से बड़े काम बिल्कुल इजीली हो जाएंगे, कब? जब आपका कार्य क्लियर होगा। दीवार किससे बनी हुई है? ईंट से, पत्थर से है ना।
सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, बड़ी ठोस है, मजबूत है। मैं अगर आपको बोलूँ उसे सरमा के तोड़ना है, कंधे से तोड़ना है, कोई तोड़ना, लाट मार के तोड़ना है, कोई औजार नहीं दिया जाएगा, लकड़ी का पत्थर का क्यों नहीं दिया जाएगा, तोड़ो क्या? क्या बोलोगे भाई पागल हो गया, पत्थर की दीवार है यार पूरी, नहीं बोलोगे पागल हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस दीवार को आपने तोड़ना है, आपको मैं 500 करोड़ रुपए दूंगा, लकड़ी की लोहे की पत्थर की कोई चीज नहीं दी जाएगी, तब क्या बोलोगे पता है? कभी सर मारोगे, कभी कोनी मारोगे, कभी लात मारोगे, कभी कंधा मारोगे, करोगे ना कुछ ऐसी चीजें जिसे दूसरा वाला कहे, दूसरे सामने वाला कहे क्या पागल हो गया? मतलब पहले जो काम मैं बोल रहा था आपको बिना वजह करने के लिए, तो आप मुझे पागल बोल रहे थे, अब आपको कोई वजह मिल गई है वही काम को करने के लिए, तब सारी दुनिया पागल कह रही है, समझ लो। इसके लिए जितने भी कामयाब लोग हैं ना, उनकी बातों से पहली बार में पागलपन ही झलकता है, पागलपन ही झलकता है जिसने भी पहली बार कामयाबी हासिल करी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, जब ये डिस्टीवी आया था तो उस दौरान बहुत सारे लोगों को इस चीज की चिंता थी कि भाई हमारे घर में तो ऐसी कोई चीजें अवेलेबल है ही नहीं, ये जो डिस्टीवी है क्या है, हमारे एंटरटेनमेंट का क्या है, माध्यम है। अब जब मैं अपने परिवार में सीमित आमदनी कमाता हूँ तो क्या जरूरी है मुझे कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च करना एंटरटेनमेंट के ऊपर, सिर्फ एंटरटेनमेंट के ऊपर, यार मैं अगर एंटरटेनमेंट हो जाएगा, घर में वाइफ है, वाइफ अगर कहीं उसको घर में बैठी है तो वो क्या है अपना एंटरटेनमेंट करेगी, फिर बाहर भी जाएगी, तो उसके लिए कोई बहुत पैसा खर्च करे। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को पता था, जिन लोगों ने ये काम किया था कि भाई आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट बढ़ने वाले, लेकिन अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो जब रिक्वायरमेंट बढ़ी तो देखो डिश टीवी से कनेक्टेड और कितने सारे आ गए हैं, D2H आ गया है, एयरटेल है, और भी कुछ ब्रांड है, हैथवे है, नहीं तो समझने आने वाली बात यह है कि जब नीड होती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो चीज़ आने वाले टाइम में एक्सपेंड होती है। बस आपने समझना क्या है कि यार जो नीड है ना इसको समझना मुझे, दुनिया में जो भी बिजनेस है ना वो गेम है डिमांड और सप्लाई का, अगर इस चीज़ की नीड होगी और आप उससे सप्लाई करने वाले होंगे तो ऐसी बात है बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि यार इस व्यक्ति को समझ में आ रहा था कि यार नीड होगी आने वाले टाइम में, कि लोग बोर होंगे, उनके पास बहुत सारा टाइम होगा, तो वो घर में बैठ के क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट का कुछ ना कुछ माध्यम ढूंढेंगे, तो क्या बनाया उन्होंने, डिश टीवी। आज के टाइम पे पॉपुलर है ना, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है ये, टाटा स्टील से शुरू किया था कारोबार, आज नमक है, आज इनके पास चाय पत्ती है, सभी चीजें तो है इनके पास, क्या नहीं है, क्या है इनका ये एक विजन था। ये जो कामयाब लोग होते हैं ना उनको एक चीज पता होती है कि यार आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, संभावना है, समझते ना कि संभावना क्या हो सकती है, तो जो संभावना है ना इनका ज्ञान हो जाता है कामयाब लोगों को कि भाई क्या संभावनाएं हो सकती है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो जो संभावनाएं इस पे काम करते हैं। हम सभी लोगों को समझना होगा जब संभावनाएं बदल सकती हैं लाइफस्टाइल, आज के टाइम पे मुझे समझ में आता है कि चाहे वो भाई साहब टाटा है, जब इन्होंने शुरू किया होगा अपना कारोबार और बताया होगा कि मैं एक बड़ा बिजनेस डालने वाला हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस डालूंगा जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लोगों को मिलेगी मेरे माध्यम से, तो एक कॉमन आदमी अगर बिजनेस की बात कर रहा है और एक कॉमन आदमी अगर करोड़ों के टर्नओवर की बात कर रहा है तो बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाएगी, नहीं हंसी उड़ाएगी। तो अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जैसे इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए थे, चैलेंजेस आए थे, प्रॉब्लम्स आए थे, ऑब्स्टिकल्स आए थे, वैसे ही मेरे और आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लाइफ को बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अगर एक आदमी ने गरीब जन्म लिया है और उसको अमीर तक जाना है, बहुत सारे सेक्रीफाइस चाहिए होंगे, बहुत सारे सेक्रीफाइस चाहिए होंगे। अगर एक करोड़पति आदमी है वो अगर अपनी जायदाद से आना चाहता है, वो अगर अमीरी से गरीबी में आना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक पेन लिया, सिग्नेचर किया और गरीब हो गया। लेकिन अगर आपको गरीबी त्यागनी है यार, जो बचपन से मिली है, विरासत से मिली, आपके दादा परदादा में कोई अमीर नहीं था, इसलिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करने पड़ेंगे, सुप्रीम लेवल के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, आग से गुजरने वाली बात होगी, तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा। बहुत सारे लोग जब बिजनेस मीटिंग में आते हैं तो बड़ा फैली महल बना लेते हैं, क्या इसको जोड़ूंगा, उसको जोड़ूंगा, उसको जोड़ूंगा, ऐसे करूंगा, लाख रुपए आएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है उनको लोग मना करने लगते हैं, लोग बहाने बनाने लगते हैं, लोग अवॉइड करने लगते हैं, तो उसके बाद हमारा जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
तो मेरा आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करने का मतलब यही है कि आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हैं। आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, क्या नेटवर्क, और नेटवर्क क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी पूंजी लगाने के बाद भी 24-24 घंटे का हार्ड वर्क, 24-24 घंटे का स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप कामयाब होंगे या नहीं। वहां पर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपने एक भी पैसा नहीं लगाया, एक भी पैसा नहीं लगाया, देखिए क्या लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आपका दाव का पैसा तो नहीं लगा हुआ ना, 2,00,000, 5,00,000, 20,00,000, 50,00,000 रुपये तो नहीं लगा हुआ। यहाँ लाइफ दाव पे क्या लगा हुआ है, समय लगा हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना कि आपने अगर किसी को कुछ पैसा दिया ना तो वापस मिल सकता है, लेकिन जो समय है वो कभी वापस नहीं मिल सकता। हो सकता है कि आपके उस एक घंटे की वैल्यू बहुत हो सकती थी, लेकिन अब वो चला गया तो यूजलेस है। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारा समय ऐसे ही चला जाता है, हम लोग सोचते हैं कि यार हो जाएगा, कर लेंगे। दोस्तों आज जो आपको एनर्जी मिली है ऊपर वाले की वजह से, अगर आपने आज वो यूज नहीं की ना, क्या है फिर, वो वेस्ट है, यूजलेस है। तो आज की एनर्जी आज ही यूज करनी पड़ेगी। आप नहीं कह सकते कि भाई मैं 3 दिन का खाना एक साथ खा लूंगा, या मैं 3 दिन भूखा रहता हूँ फिर बाद में 3 दिन बाद खा लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको एक दिन की एनर्जी एक दिन ही यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कुड लूज। आप लूज कर जाओगे एनर्जी, आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है। तो आपको समझना होगा नेटवर्क बनाना हंसी खेल नहीं है, इसमें बहुत सारा संघर्ष लगता है। ये जो अगला एग्जाम्पल है जियो, सभी को पता है 2005 में हम लोगों के, ये 2016 में हम लोगों के सामने आया। क्या करना शुरू किया इन्होंने, सिम डिस्ट्रीब्यूट की, और हमें क्या देना शुरू किया, डेटा, अनकमिंग, अनलिमिटेड कॉलिंग, और उसके बाद SMS वगैरह, है ना। क्या 2016 में ही आइडिया आया, अंबानी जी आपको 2005 से प्लानिंग चल रही थी, 2005 से प्लान किया था, तब जाके 2016 के अंदर इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया। और आज के टाइम पे पता नहीं कितने सारे कस्टमर हैं। जिस समय सिम डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उस समय 90,00,000 से ज़्यादा सिम डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, और आज के टाइम पे 50,00,000 से ज़्यादा एक्टिव कस्टमर हैं। तो अब समझना हमने सिर्फ इतना है कि ये जो भाई साहब हैं जियो वाले, इन्होंने क्या करा उस समय, एक नेटवर्क बनाया। और आज जब वो नेटवर्क तैयार है तो क्या है, 399 रुपये का प्लान है। अगर हम लोग महीने में डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना होता है, 133। अब एक व्यक्ति से 133 रुपये लेने हैं, बस 133 रुपये लेने हैं। अब इनकी जनरेशन में जितने भी लोग आएंगे ना, उन्हें क्या करना है, 133 रुपये लेने हैं बस, और सारी जिंदगी वो बैठ के खा सकते हैं। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, पंजाबी मूवी थी, उसके अंदर एक सरदार था, तो उसकी माँ उसे बड़ा टोका करती थी, ठीक। तो पंजाबी मूवी थी वो, तो उसकी माँ बड़ा टोका करती थी, कहती थी कि भाई हमारे पूरे खानदान में आज तक ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जो निखल्ला बैठ के खाता हो। मतलब सातों पीढ़ी देख ली मैंने, सातों पीढ़ी के बारे में सुन भी लिया, लेकिन कोई चीज़ ना निखल्ला बैठ के नहीं खाता यार। तो उसने हंसी मजाक की बात कही, मुझे बड़ी पसंद आई। उसने कहा क्या फ़ायदा इसी सातों पीढ़ी के काम करने का, कि तुम एक पीढ़ी बैठा के नहीं खा सकते यार। हंसी मजाक में बोली थी, लेकिन क्या था वो, सोच के देखो क्या कभी भी कोई ऐसा दिन आएगा कि इनकी जनरेशन को कुछ हाथ पर मारने पड़ेंगे, इनकी सातों जनरेशन बैठ के खाएगी। कितनी पीढ़ी ने काम किया, एक पीढ़ी के काम से सातों पीढ़ी को उठाई जा सकते हैं। और हम कुछ कॉमन लोग सातों पीढ़ी बैठ ने कमा लिया और फिर भी एक पीढ़ी नहीं खा सकती है। तो एक पीढ़ी की शॉर्टी तो ले सकते हैं हम लोग, लेकिन क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने वही पुराने ढंग पर चलते चले आ रहे हैं। कौन सा, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। अगर पढ़ो लिखो नौकरी करने से कुछ बदला होता तो बदल गया होता, हमारे दादाजी का बदल गया होता, परदादाजी का बदल गया होता, और बहुत सारे लोगों का बदल गया होता, लेकिन नहीं बदला। तो हम लोगों ने समझना क्या है कि अगर लाइफ में वो चाहिए जो मेरे पास अभी नहीं है, तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने अभी तक नहीं किया। नौकरी करी और क्या मिला मुझे, वो मिला जो मेरे पेरेंट्स को मिला, वो मिला जो मेरी फैमिली को मिला, वो मिला जो मेरे एनवायरमेंट को मिला। तो मुझे वो करना जो इन्होंने नहीं किया, वो करना जो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने नेटवर्क नहीं बनाया। और जिन्होंने नेटवर्क बनाया ना, उनकी कामें भी हमारे सामने है ना, देखा आप लोगों ने भी, ये सारे लोग इन्होंने नेटवर्क बनाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नेटवर्क है, ह्यूज नेटवर्क है, और आज वो लोग बैठ सकते हैं, सारी जिंदगी खा सकते हैं। अभी मैं बिल गेट का नोट पढ़ रहा था, उसका नोट में लिखा हुआ था कि बिल गेट साहब के पास इतना पैसा है कि वो अगर डेली बेस पे 7 करोड़ रुपए भी खर्च करे ना, तो उनको सारी जिंदगी में खर्च करने में 218 साल लगेंगे।
मतलब 7 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट होती है ना, उसको आप ऐसे उठाओ ऐसे फेंक दो, रोज का काम नहीं, रोज ऐसे उठाया ऐसे फेंक दिया, रोज ऐसे उठाया ऐसे फेंक दिया, कितना समय लगेगा? 218 साल। किसकी पावर है ये? नेटवर्क की पावर है ये ना। कॉमन आदमी क्या कर सकता है सर? तो नेटवर्क की कितनी पावर है समझना पड़ेगा। कॉमन लोगों को नेटवर्क की पावर समझ में नहीं आती है। कॉमन लोगों से समझ में क्या आता है? 8 घंटे की नौकरी महीने के 30 दिन में क्या होगा, यही तो है। तो आपको समझना होगा नेटवर्क की पावर क्या है। नेटवर्क की पावर है कि अगर आपने एक बार नेटवर्क बना लिया, इस पर जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानी आई, अगर एक बार नेटवर्क बन गया तो लाइफ लॉन्ग सारी जनरेशन बैठे खा सकती है। तो थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा वर्क, थोड़ी सी एबिलिटी जरूर लगानी होगी इसके अंदर। तो नेक्स्ट है मेरा, ये कामयाब लोग और मैं, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ना, मतलब कॉमन लोग और कामयाब लोगों में। तो ये कामयाब लोग और कॉमन लोगों में डिफरेंसेस क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होता है इसका, क्या है? बिलीफ सिस्टम। अभी जो बिलीफ सिस्टम है ये क्या है? बिलीफ सिस्टम है हमारा खुद के बारे में नजरिया। अभी जो बिलीफ सिस्टम है ये क्या एक दिन में बनता है? ये एक दिन में नहीं बनता है। हमने समझना होगा इस बिलीफ सिस्टम का PTFAR। पी मीन प्रोग्रामिंग। हमारी जो बचपन से प्रोग्रामिंग हुई है, कैसी प्रोग्रामिंग हुई है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो किसके पास होता है सबसे ज्यादा? माँ के पास। अब हमारी इंडिया की माएँ क्या ऐसी हैं जो मैडोना की तरह सोचती हूँ, श्रीदेवी की तरह सोचती हूँ, ऐश्वर्या राय की तरह सोचती हूँ, नहीं ना? वो क्या सोचती हैं? शाम को उसका दूध कहाँ से आएगा? जब वो बोल रही होती है तो कहीं के बच्चे के काम में पड़ रहा होता है, और जो पूरा कर रहे थे ना उसका एक बार कुछ लिख गया ना तो सारी जिंदगी लिख जाता है। तो एक बच्चे की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है उसके बर्थ से ही। वो कहता होता है तभी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, कहाँ से? माँ से। जैसे थोड़ा और बड़ा होता है कहाँ जाता है? बाप की मुंह में, है ना? फिर बाप भी कह रहा होता है कि यार इसमें इतने सारे खर्चे आ गए, इनका हुई नहीं ठीक से, कैसे करेंगे, यहाँ से कर्जा ले रखा है, बच्ची को पढ़ाना है, मतलब टेंशन टेंशन। प्रोग्रामिंग क्या है ये? हम लोग कैसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपनी जनरेशन को? अब ये पी के बाद ये जो प्रोग्रामिंग है और भी बहुत सारी जगहों से होती है। जैसे हम लोग थोड़ा और बड़े बड़े हो जाएंगे तो स्कूल जाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों से मिलेंगे, माहौल दोस्त हो जाएंगे, उसके टीवी में देखेंगे, न्यूज़ वगैरह चल रही है, क्या हो रहा है? ये प्रोग्रामिंग हो रही है। इंटरनेट पर जाएंगे, क्या हो रहा है? ये प्रोग्रामिंग हो रही है। दोस्तों हमारी जो प्रोग्रामिंग है ना वो इससे ख़राब है। और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग होती है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग होती है। अगर हमारे घर में टीवी चल रही है, गाना आ रहा है, चार बोल बोल का काम मेरे रोज का, क्या रहा है? ये वाला गाना। बंदे के हाथ में नेट आएगा, सर्च करेगा, क्या क्या सर्च करेगा? एक भी शब्द कलाम, धीरू भाई मानी, समझ में आ रहा है? ये प्रोग्रामिंग हो रही है हमारे कान में जो जा रहा है, आंखें जो देख रही है, स्टोर हो रहा है, और फिर हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर रही है। तो जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसे हमारे थॉट बनेंगे। प्रोग्रामिंग से कहेंगे थॉट। अब प्रोग्रामिंग होगी और वैसे ही थॉट बनेंगे। अब थॉट क्या जनरेट करते हैं? फीलिंग्स जनरेट करते हैं। आपने कभी कभी इमोशन में बहुत सारे एक्शन ले लिए होंगे ना, कोई थॉट आया माइंड के अंदर, किसी ने कुछ बोल दिया और उससे आपके इमोशंस अटैच हो गए, तो आपको जो डिसीजन लेने में 2 साल लगते हैं ना वो आपने सडन डिसीजन ले लिया। जब हमारे इमोशंस जाग जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं कहीं पर हमारी फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती है, तो जो फीलिंग्स हैं ये आने वाले टाइम में क्या लेने को मजबूर करती है हमें? एक्शन। और ये एक्शन कहाँ से लगते हैं? हमारे रिजल्ट में चलते हैं, हमारे रिजल्ट में दिखाई देते हैं। प्रोग्रामिंग, थॉट, फीलिंग, एक्शन, देन व्हाट? रिजल्ट। अब ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर हमने कोई मेथड टाइप किया और मेथड में एक एप्लीकेशन है और हमें प्रिंट चाहिए उसका। अब वो जो मेथड है वो एप्लीकेशन है और उसमें एक जगह सब्जेक्ट लिखा हुआ है और वहां पर आ गया ऑब्जेक्ट जब मैंने प्रिंट मारा। फिर मैंने क्या करा, वो जो हार्ड कॉपी है उसे उठाया और ऐसे करके रिलेज किया और दोबारा से मार्कर से लिख दिया सब्जेक्ट। फिर दोबारा प्रिंट मारा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। फिर दोबारा अच्छे से मार्कर लिया, दोबारा से मैंने रिलेज किया और लिख दिया, फिर दोबारा से क्या आएगा? चिट्ठी आएगा। क्यों? गड़बड़ कहाँ है? सिस्टम में। हम लोग कहाँ लिख कर रहे हैं? बाहर। मतलब गड़बड़ है प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर में। हम लोग ठीक कर रहे हैं आउटपुट में, है ना, आउटकम में, जो हमारा सॉफ्टवेयर, जो हमारा रिजल्ट है, आउटपुट है, रिजल्ट है। तो रिजल्ट को अगर चेंज करना है ना तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ पीछे जाना पड़ेगा? रिजल्ट से पहले एक्शन, एक्शन से पहले फीलिंग, फीलिंग से पहले थॉट, और थॉट से पहले प्रोग्रामिंग।
तो हम सभी लोगों ने सोचना ये है कि अभी जो रिजल्ट हमारे बदल रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? वो है हमारी प्रोग्रामिंग। ये हमारी प्रोग्रामिंग ही गलत है। हम सभी लोगों की क्या प्रोग्रामिंग है? जब मैं देखता हूँ सक्सेस सेमिनार के अंदर लोग मरे जा रहे टिकट लेने के लिए, और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर कोई टिकट खरीद के भी दे ना और कहे भाई चलो पैसे मैं दे दूंगा, वो भी नहीं देते हैं। कहते भाई 200 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। क्या है ये हमारी प्रोग्रामिंग है? कौन सी मेंटेलिटी हमारी? शॉप मेंटेलिटी है। हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और फिर कहते हैं यार रिजल्ट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? अरे रिजल्ट डिफरेंट तो आपकी वजह से आ रहे हैं ना, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में काम ही नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आपके रिजल्ट चेंज नहीं होंगे। तो हमने थोड़ा सा काम करना है अपने बिलीफ सिस्टम पे। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। बिलीफ कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। एकदम से बिलीफ आ जाता है क्या? एक 3 साल का बच्चा है, उसे बोला जाए कि बेटा ये तेरा पापा है, बिलीव कर लेगा क्या? आप तो वो किसी और को पापा बोल रहे हैं ना। 3 साल से मम्मी तैयार कर रहे थे, उसके पड़ोसी तैयार कर रहे थे, जानकार लोग तैयार कर रहे थे कि भाई ये तेरे पापा, ये तेरे पापा है। और सडनली 3 साल की उम्र के बाद उसको बोला जाए भाई ये तेरे पापा है, मान लेगा वो? क्योंकि उसने बचपन से क्या नॉलेज दी है 3 साल से? नॉलेज और एक्सपीरियंस ये किया है कि यार कोई और व्यक्ति है इसका पापा है, और अब इसको क्या बोला जा रहा है दूसरा है। तो बिलीव जो है वो अचानक नहीं आता, ये डिपेंड है नॉलेज और एक्सपीरियंस से। जब जब आप नॉलेज लेंगे तब तब आप एक्सपीरियंस लेंगे, जब जब आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन होगा तब तब आपका बिलीव बढ़ेगा। और दुनिया में जितनी भी कामयाबी आई है ना, सारी कामयाबी बिलीव के दम पर ही आई है। हम लोग ऐसे देखते हैं जो एक्ट होते हैं सर्कल वगैरह के अंदर, एक बहुत ऊंचाई पे लड़का खड़ा हुआ है और नीचे एक लड़की है थोड़े से मिडिल पे, और उसके बाद उसको बोला था भाई हाथ छोड़। उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा थॉट आ जाए कि यार पकड़ पाया है नहीं पकड़ा है, या नीचे वाले के अंदर ही हाथ आ गया तो कहीं छूट तो नहीं जाएगा, छूट तो नहीं जाएगा, परफॉर्म कर पाएंगे क्या वो? नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बिलीव जो है वो 100% होना चाहिए। अगर आप बिलीव कर रहे हो 100% तो चीज़ें होती हैं। अगर आपका बिलीव थोड़ा थोड़ा है, कुछ समय पहले की बात है 1954 में लोगों का हार्डली बिलीव था कि अगर कोई व्यक्ति रेस दौड़ेगा और वो 1 माइल की रेस दौड़ने में 4 मिनट से कम समय लेगा तो उसकी मौत हो जाती है, चाहे वो हार्ट अटैक से हो चाहे वो नस कटने से हो। ये बिलीव था बहुत पुराना, 1954 का बिलीव था ये। तो किसी को भी ऐसा लगता ही नहीं था कि 1 माइल की रेस 4 मिनट से पहले दौड़ी जा सकती है, कोई अटैम्प्ट ही नहीं करता था इतना दूर तक। लेकिन जब रॉजर बैनिस्टर ने 1954 के अंदर का दिखाया, 1 माइल की रेस को दौड़ा उन्होंने और 3 मिनट 59 सेकंड 4 माइक्रोसेकंड लगाए उन्होंने, मतलब 4 मिनट से कम में ये रेस कंप्लीट करी उन्होंने। और जब इनको अवार्ड मिला तो उसके बाद लोगों का बिलीफ सिस्टम बदल गया टोटली। 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट ने इस रेशो को तोड़ा जो पिछले 100 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था। किसकी वजह से हुआ ये? बिलीफ जो है ना, क्या एक बंदा ने कर दिया ना, तभी तो हमारा माइंड मान लिया कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आज से पहले क्यों नहीं तोड़ पाया था? क्योंकि अब तक क्या लगता था कि भाई 1 माइल की रेस को दौड़ने के लिए कम से कम 4 मिनट का समय तो लगना ही लगना है, उससे पहले कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, हमारी मौत हो सकती है किसी भी कारण से, चाहे वो नस कटने से हो या हार्ट अटैक से हो। तो जो बिलीफ सिस्टम है वो रेफरेंसेस मांगता है। आप जब मीटिंग्स में आते हो, ट्रेनिंग्स में आते हो, तो आप क्या देखते हो? कोई मेरी तरह की तरह व्यक्ति था जिसने आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले बिजनेस शुरू किया, और आज वो व्यक्ति 2 लाख 5 लाख 20 लाख 50 लाख महीने कमा रहा है, ऑडियो में घूमता है, मर्सिडीज में घूमता है, फॉरेन टूर जा रहा है। क्या हो रहा है इससे? जब आप लगातार आ रहे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है और आपका बिलीव बढ़ रहा है। जब आप बिलीव बढ़ेगा तो क्या होगा? आप वैसे एक्शन लेना शुरू करोगे जो अब तक आपने नहीं लिया, क्योंकि दुनिया में जितने भी एक्शन लेते हैं वो हम लोग हमारे बिलीव के भी यहाँ पर लेते हैं। अगर मुझे बिलीव है तो मैं एक्शन लूँगा, अगर बिलीव नहीं तो एक्शन नहीं लूँगा। अगला, सभी जानते हैं हमारे ग्रेट फॉलोअर मार्केट में सभी लोगों को फॉलो करते हैं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इनका फॉलोवर ना हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा कमाना लोगों को लगता है बहुत 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 मुश्किल काम है, और इस इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है, इसका मतलब क्या है कि वो हार्डली मान चुके हैं कि यार मैं मेहनत नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने कमा रहा। लेकिन ये बंदा ना बहुत मेहनती है,
कितनी बार उड़ीसा गए होंगे, कितनी बार बैंगलोर गए होंगे, कितनी बार रांची गए होंगे, कितनी बार झारखंड गए होंगे और बंदे नहीं मिले हैं। इनके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले और दूसरे महीने के अंदर 44% लोग इनको छोड़ देते हैं। क्या जान जाते हैं, कुछ नहीं सकता। दो महीने में ये जानते हैं कि ना मेरा दोस्त करना चाहता है, ना मेरे रिश्तेदार करना चाहता है, ना मेरे पड़ोसी करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, मैं इससे लगा हुआ हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में भी थी। अब इन्होंने ये करके दिखाया, तब जाके बहुत सारे लोग इनके फॉलोवर बने, इनके रास्ते पर चल के आज कामयाब हुए। जिस समय सिद्धार्थ जी ने बिजनेस शुरू किया था 2008 के अंदर फरवरी में, उस समय हाईएस्ट रनर 3 लाख रुपए महीना कमाया करते थे और वो काफी पुराने थे, मतलब 4 साल से 3 लाख रुपए महीना कमाते थे और हार्डली कोई उनके आसपास होगा, 1.5 लाख 1.25 लाख इतना था 3 लाख रुपए वो हाईएस्ट रनर कमाते थे। उस समय तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, जहाँ पर 700 रुपये जर्निंग फीस है। जहाँ पर 700 रुपये जर्निंग फीस है, वो एक बंदा कमा रहा है तो अच्छी बात है, वो कमा रहा होगा अपने टैलेंट की वजह से। जब रमेश पुनानी हाईएस्ट रनर थे, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ जी ने शुरू किया, 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने उनको बीट किया और 5 लाख रुपये तक कमाना शुरू किया उस समय, 2 साल के अंदर अंदर। अब जब 2 साल में उन्होंने 5 लाख रुपए कमाया और उस समय जब बने हाईएस्ट रनर वेस्टीज के, क्या कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से या वेस्टीज से 5 लाख रुपए महीना कमाता है? बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली। थोड़ा समय और बीता तो कुछ लोग जो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे 20,000, 30,000, 40,000 के अंदर, वो लोग 2 लाख गए, 4 लाख गए, 5 लाख गए। जिस समय इन्होंने अपना बेंचमार्क कायम किया 10 लाख रुपए महीने का, तो जब 10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया उन्होंने, तो जो लोग अटके हुए थे काफी सालों से 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे, जो लोग काफी सालों से अटके हुए थे 2 लाख, 1 लाख पे, उन लोगों को सडनली पता नहीं क्या हुआ कि वो लोग भी 6 लाख